मैं आज हूँ उन बुजुर्ग में। एक कस्बा है खरगोन बड़वानी रोड पे, उन बुजुर्ग वैसे तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी है, और आज हम उन बुजुर्ग में है राहुल भाई के घर। राहुल भाई नमस्कार। हमारे राहुल भाई शुरू से इनका बकरी पालन का बहुत ही इनकी बहुत इच्छा थी, और इन्होंने आज से 3-4 साल पहले पढ़ाई के साथ साथ में अपने घर पर, जिसको अपन बैकयार्ड ट्रेडिंग बोलते हैं, और कुछ बकरियाँ भी रखी। शुरू में इनके पास बकरियाँ कम थी, लेकिन उसके बाद में उत्तरोत्तर जो उत्पादन होने के बाद में हम देख सकते हैं कि इनके पास में कितनी बकरियाँ हैं। तो राहुल भाई, आप क्या बकरियों नस्ल कहाँ से लाए आप ये बकरियाँ? मौसी घर से लाए थे हम। मौसी के घर से लाए थे, मतलब परिवार से इन्होंने बकरी अपने घर में बुलाई। राहुल के साथ में एक घटना 3 महीने पहले क्या घटी कि इनकी बड़ी बकरी शांत हो गई, वो मर गई, तो उसकी वजह से इनको आर्थिक नुकसान भी हुआ। आर्थिक के साथ साथ राहुल भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ था, तो आज राहुल ऐसी आर्थिक स्थिति से बचने के लिए क्या आपने बीमे के लिए कुछ प्रयास किया क्या? नहीं किया। पहले इन्होंने बीमे के लिए प्रयास नहीं किया था, लेकिन अभी उसके बाद में आपने बीमे अपने बकरियों का करवाया क्या? नहीं करा, मगर सर ने बताया हमको, तो पता चला। तो उसके बाद में बताने के बाद आज क्या करा राहुल ने, अब अपनी बकरियों का बीमा कराया। इस बीमा कराने से इसकी बकरियां तो सुरक्षित है, साथ साथ इसकी जो आर्थिक स्वतंत्रता है उस पर भी आघात नहीं पहुंचेगा, और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा। इस स्थिति में यदि कोई भविष्य में अनहोनी होती है आज उसकी बकरी की, तो उसका जितना भी बीमा है वो उसको उसका अमाउंट उस पर मिल जाएगा, और इस तरह से उसको बकरी से होने वाले नुकसान से हम बचा सकते हैं। तो हमारा खरगोन का जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग है, वो आपके हर संभव सुख दर्द में आपके साथ में है। आप अपने पशुओं का, भले छोटा पशु हो, उसका बीमा जरूर कराइए। न्यूनतम प्रीमियम पर हमारे विभाग के अधिकारी आपके पास आकर के बीमा कर सकते हैं, और अपन भविष्य में होने वाली ऐसी अनहोनी घटना से बच सकते हैं। नमस्कार।